श्री कृष्ण वाणी 11। श्री कृष्ण के 11 वचन। एक, कामनाओं को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। कामनाएं मनुष्य को मोहित करती है और उसे सही मार्ग से भटका देती है। इसलिए मनुष्य को अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें तृप्त करने के लिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए। दो, सत्य का पालन करो। श्री कृष्ण सत्य का पालन करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य ही मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। तीन, धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण धर्म का पालन करने की भी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म मनुष्य को सही मार्ग पर चलने में मदद करता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। चार, कर्मयोग का पालन करो। श्री कृष्ण कर्मयोग का पालन करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि कर्मयोग से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा कर्मयोग का पालन करना चाहिए। पांच, दूसरों के प्रति दया करो। श्री कृष्ण दूसरों के प्रति दया करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि दया मनुष्य को महान बनाती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा दूसरों के प्रति दया करना चाहिए। छह, दूसरों के प्रति प्रेम करो। श्री कृष्ण दूसरों के प्रति प्रेम करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम करना चाहिए। सात, क्षमा करो। श्री कृष्ण क्षमा करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि क्षमा मनुष्य को निर्मल बनाती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा दूसरों को क्षमा करना चाहिए। आठ, परोपकार करो। श्री कृष्ण परोपकार करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि परोपकार से मनुष्य को पुण्य मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा परोपकार करना चाहिए। नाइन, संयम का पालन करो। श्री कृष्ण संयम का पालन करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि संयम मनुष्य को नियंत्रित रखता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा संयम का पालन करना चाहिए। दस, संतोषी रहो। श्री कृष्ण संतोषी रहने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि संतोषी मनुष्य ही सुखी होता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा संतोषी रहना चाहिए। 11, निष्काम कर्म करो। श्री कृष्ण निष्काम कर्म करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि निष्काम कर्म से मनुष्य को मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण के ये 11 वचन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन वचनों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकता है।